हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं लोक देवता रामदेव जी के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने लोक देवता बाबू जी को अच्छी तरह से समझा है। यहाँ पर हम कुछ भी रटने नहीं वाले, ठीक है ना, बेहद आसान ट्रिक से समझने वाले हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, रटोगे एग्ज़ाम में फिर से भूल जाओगे। पढ़ाई आपको मज़े में करना है, मज़े लेते हुए करना है, तभी आपको याद होंगे। क्योंकि आप जैसे एक आपने गाड़ी को देखा होगा, ऊँट गाड़ी को या बैलगाड़ी को, जिसमें गाड़ी को पीछे ऊँट या बैल ढोते रहते हैं। तो अक्सर जब हमारा मन नहीं लगता ना पढ़ाई में, तो हमारा ऐसा ही हाल होता है। हम किताबों को लिए बैठे रहते हैं और याद कुछ होता नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आप समझिए और मज़े में पढ़िए। तो देखिए, रामदेव जी के बारे में आपने पहले एक गीत सुना होगा, और रामदेव जी को तो हर कोई जानता है। जब रामदेव जी का मेला बढ़ता है ना रामदेवरा के अंदर रुणीचा में, तो लाखों लोगों की भीड़ होती है और यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। तो आप समझ सकते हो रामदेव जी काफ़ी प्रसिद्ध लोक देवता है, और इनका एक भजन है जो काफ़ी प्रचलित है। तो दो लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ, आपको भी थोड़ा मज़ा आ जाए। तो देखिए, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा धनिया, थाने तो ध्यावे आँखों मारवाड़ हो, आँखों गुजरात हो, अजमाल जीरा का मेरा। अब देखिए, आपको मेरी आवाज़ पता नहीं कैसी लगी होगी, जितना मुझे आता था वो मैंने सुना दिया। अब यहीं से हम रामदेव जी के बारे में शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनका जन्म कहाँ पे हुआ था उनके बारे में देख लेते हैं। जन्म ही इनका हुआ था उंडू काश्मीर। उंडू काश्मीर कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। अब देखिए, आपको कैसे याद रखना है, याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। भाई, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैप अगर आपके दिमाग में है ना, तो दो चीज़ें आप मैप में अपने दिमाग में लेकर आइए, एक तो बाड़मेर, और बाड़मेर के ऊपर की तरफ कौन सा ज़िला है? जैसलमेर। तो ये दोनों आपके दिमाग में लेकर आ जाइए। अब देखिए, बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ है, किनका? रामदेव जी का। जगह कौन सी है? उंडू काश्मीर, शिव तहसील है, बाड़मेर जिला है। तो यहाँ पर देखिए, इसको कैसे याद रखोगे वो भी हम ट्रिक से आपको बता देंगे, तसल्ली रखो, केवल आप सुनते जाओ। और इनका जो जन्म हुआ था ना, वो तिथि कौन सी थी? देखिए, अक्सर ये पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ, बहुतों बार पूछा जा चुका है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं, ध्यान रखना, बाबेरी बीज कहते हैं द्वितीया को। इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। अब आप इसे कैसे याद रखोगे, तो याद रखने की ट्रिक भी आपको बता देते हैं। भाई, रामदेव जी देखिए भगवान के अवतार है, भगवान कृष्ण के अवतार थे ये। तो ये क्या हुआ, बाड़मेर से उड़े, हवा में उड़े ऊपर की तरफ, और उड़कर इनको कहाँ जाना था? कश्मीर। ये कश्मीर घूमने जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही बाड़मेर से उड़े, थोड़े आगे चले और आ गया जैसलमेर। जैसलमेर में इन्होंने ऊपर से देखा कि कोई मीणा जाति के लोग हैं, बहुत सारे इकट्ठे हैं, और उनके पास बहुत सारे धन माल पड़ा हुआ है। तो ये ऊपर से देखते हैं कि माल देखते हैं, क्या देखते हैं? माल। माल से याद रख सकते हो, अजमाल इनके पिताजी का नाम, वैसे गीत के अंदर आता है ना, अजमाल जीरा कमेरा। तो गीत अगर आपको याद है ना, तो अपने आप छोटी बड़ी चीज़ें ऐसे याद हो जाएगी। तो अब देखिए, रामदेव जी ऊपर से देख रहे हैं माल, माल मतलब अजमाल जी, और किसके पास देखा यह सारा माल? मीणा जाति के लोग, मतलब इनकी माता का नाम था मीणा दे। अब देखिए, ऊपर से इन्होंने जो माल देखा ना, तो इनका मन किया कि मैं नीचे जाकर देखूं ये माल इतना किसके पास है। तो ये तल पर आए, तल पर मतलब ज़मीन पर आए हवा से। तो तल से याद रख सकते हो आप नेतल दे, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। वैसे दोस्तों, इतना कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप अगर इसे पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। बस ये तो हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप बोरिंग महसूस ना हो, ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाए। अब देखिए, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी, इनके बारे में भी एक कथा है, वो भी हम समझेंगे। जो भैरव राक्षस का वध हुआ था ना, उससे जुड़ी हुई एक कथा है इनके गुरु से, ठीक है। और इनके भाई का नाम था वीरमदेव, जो रामदेव जी है इनके भाई का क्या नाम था? वीरमदेव। इनकी बहनें थी, तो बहनें देखिए, वैसे सगी बहन तो नहीं है शायद, और इनकी जो देखिए सुगना और लाछा, ये तो इनकी चाचा जी की जो चाचा जी है ना, उनकी बेटियां थी, जो चचेरी बहनें थी। और डालीबाई है, ये मेघवाल जाति की थी, और इसको धर्मबेन बनाया था रामदेव जी ने, ठीक है। तो ये बहनें थी इनकी। इनके अन्य नाम क्या है रामदेव जी के, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे आप अपने मुंह पर भी आपको याद है,
रूणिचा रा धनी, रूणिचा मतलब जो रामदेव रा है ना उसको रूणिचा बोलते हैं, तो रूणिचा रा धनी कहते हैं इनको। कृष्ण के अवतार भी कहते हैं, राम सा पीर इन्हें कहते हैं, और पीरों के पीर सांप्रदायिकता के देवता इन्हें कहते हैं। पीरों के पीर आपको देखिए किस लिए कहते हैं, आपको पता होगा मक्का और मदीना से जो पंच पीर आए थे मुस्लिम पीर, उन्होंने रामदेव जी का चमत्कार देखा ना, तो उन्होंने कहा था कि आप तो पीरों के पीर हो। आगे सांप्रदायिकता के देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके इनको मानने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए इन्हें सांप्रदायिकता सद्भावना के देवता कहते हैं। अब आगे वाली लाइन देखिए, बाल्यावस्था में रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। अब इससे जुड़ी हुई कथा है, लेकिन कथा आपको इतनी समझनी नहीं है क्योंकि हम तो एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो कथा आप टीवी में सीरियल में देख सकते हो। आपने देखा होगा रामदेव जी खेल रहे थे बॉल से, बॉल चली गई गुरुदेव की कुटिया के पास, फिर भैरव राक्षस आया, फिर इनके जो गुरु जी थे बालीनाथ जी उन्होंने रामदेव जी को एक गूदड़ी को ओढ़ा दिया। गूदड़ी मतलब रजाई, जो अपनी भाषा में बोलते हैं ना राजस्थानी में, गूदड़ी ओढ़ा दिया, और फिर वो भैरव राक्षस उसको उसकी सुगंध आ गई शरीर की रामदेव जी के, तो उसने रजाई को खींचा और थक गया, फिर इसका जो है वध किया था किसने, रामदेव जी ने। तो ये कथा तो आप टीवी सीरियल में देख सकते हो। आगे देखिए अगली लाइन, रामदेव जी ने डालीबाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन बनाया। जो डालीबाई मेघवाल जाति की महिला थी उसको अपनी धर्म बहन बनाया। रामदेव जी के समय क्या है, जो छुआछूत है वो काफ़ी चल रहा था कि ये छोटी निम्न जाति का है ये उच्च जाति का, तो रामदेव जी ने सारा निपटारा ही कर दिया, इन्होंने जो मेघवाल जाति की महिला है उसको अपनी धर्म बहन बना लिया। रामदेव जी है ना ये तंवर जाति के राजपूत थे, ठीक है, राजा थे ये। और रामदेव जी ने रूणिचा में, देखिए अगली लाइन, रामदेव जी ने रूणिचा में कांवड़िया पंथ चलाया और कांवड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। अब देखिए रामदेव जी से जुड़ी कुछ बातें भी हैं जो हम चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि जो राव मल्लीनाथ जी थे, मल्लीनाथ जी जो बाड़मेर के शासक थे, उन्होंने रामदेव जी को पोकरण दिया था, और इसी पोकरण इस जगह पर जो घोड़े हैं ना कपड़े के घोड़े वो बनाए जाते हैं, और वो कपड़े के घोड़े रामदेव जी के मंदिर में ले जाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो घोड़ा लेकर गई थी इनकी बहन थी ना सुगना, सुगना बाई इनकी बहन सबसे पहले घोड़ा लेकर गई थी, और इसके बाद में यह सारी अभी प्रचलित है कि जो भी लोग जाते हैं ना वो कपड़े का घोड़ा रामदेव जी के ले जाते हैं। तो पोकरण में जो पोकरण के जो जागीरदार थे रामदेव जी थे, शासक थे वहाँ के, और ऐसा माना जाता है कि बाद में इन्होंने अपनी बहन जो सुगना है, या फिर एक ख्याति और भी प्रचलित है कि अपने जो भाई वीरमदेव है उसकी बेटी को ये दहेज में दे दिया था, ठीक है, उपहार में दे दिया था पोकरण, और फिर ये चले गए कहाँ पे, रूणिचा के अंदर, रामदेवरा के अंदर। तो ये सारी जो अभी हम घटनाएं पढ़ेंगे ये सारी रूणिचा रामदेवरा के अंदर है, जो पोकरण से 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो देखिए पोकरण में ही, जो पोकरण से 10 किलोमीटर दूर रामदेवरा रूणिचा है, यहाँ पर इन्होंने डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था, और इसके बाद में यहाँ पर कांवड़िया पंथ चलाया था। कांवड़िया पंथ देखिए अभी हमने आपको बताया था कि उस टाइम काफ़ी छुआछूत चल रही थी, तो छुआछूत को मिटाने के लिए इन्होंने कांवड़िया पंथ चलाया, और इस जो पंथ की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा डाउट रहेगा, बाबूजी के अंदर हमने पढ़ा था थाली नृत्य, कौन सा थाली नृत्य, यहाँ पर आ रहा है 13 ताली नृत्य, तो ध्यान रखना। आप कैसे समझोगे, आप इसको याद रखने की ट्रिक साथ में ले लेते हैं। अब देखिए भैरव राक्षस नहीं माना था तो रामदेव जी ने लगाई क्या, कांवड़िया, कांवड़ी भाई मारवाड़ी भाषा के अंदर हम डंडे मारते हैं उसको यही तो बोलते हैं, कांवड़ी की ठोकी, कांवड़ी की ठोकी। तो कांवड़िया पंथ किसने चलाया, रामदेव जी ने, क्योंकि राक्षस था भाई, राक्षस ऐसे मानते नहीं है, तो कांवड़ी से ठोका उसको, तो कांवड़िया पंथ चलाया। फिर वहाँ पर महिलाएँ बैठी थी और 13 महिलाएं बैठी थी और सारी तालियां बजाने लग गई, तो 13 ताली नृत्य ऐसे याद रख सकते हो भाई, दिमाग में लेके आ जाओ, महिलाएं बैठी है 13, ऊपर रामदेव जी मार रहे हैं भैरव राक्षस को लाठियों से, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। मक्का मदीना से अगली लाइन देखिए, मक्का मदीना से आए पंच पीरों ने, पंच पीरों को रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया, और इसके पश्चात पंच पीरों ने रामदेव जी को पीरों के पीर की उपाधि दी। अब इसके बारे में भी आपने कथा सुनी होगी, मक्का मदीना से
इन्होंने रामदेव जी के चमत्कार सुने थे, तो इन्होंने देखा कि हम भी देख कर आते हैं कि कैसे है, तो ये आ गए रामदेव जी के पास में। और रामदेव जी ने इनको भोजन करने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा भाई हम तो अपने बर्तन के अंदर ही भोजन करते हैं, हमारे खुद के पात्र है और वो हम मक्का मदीना में भूल गए हैं। अब देखिए रामदेव जी ने कहा भाई चिंता मत करो, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो कुछ देर में क्या हुआ, इनके पात्र जिनमें ये पीर है जो खाना खाते हैं वो हवा में उड़ते हुए आ गए। तो इस तरह उनका जो चमत्कार देखा था ना पीरों ने, फिर पीरों ने कहा कि आप तो हमसे भी बड़े पीर हो, और इसलिए इनको नाम दे दिया पीरों के पीर। रामदेव जी ने रुणेचा में मानसरोवर झील और परचा बावड़ी का निर्माण करवाया। अब मानसरोवर या इसको राम सरोवर झील भी कहते हैं, तो ये रामदेव जी ने रुणेचा के अंदर इसका निर्माण करवाया था, परचा बावड़ी बनवाई थी, और इसी मानसरोवर या राम सरोवर झील में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, जो अभी हम बाद में देखेंगे आगे। अब देखिए इनके जो प्रमुख भक्त थे कौन कौन थे, तो इनके प्रमुख भक्त रत्ना राय का लक्की बंजारा हरजी भाटी, ये इनके मुख्य भक्त और सहयोगी थे। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट आएगा ना उसको हम ट्रिक से समझा देंगे, जो लाइन हमें लगेगी ना ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको हम ट्रिक से समझा देंगे। जैसे हमने कांवड़िया पंथ देखा था तेरह ताली नृत्य, तो वो हमने ट्रिक से समझ लिया था। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि है, इन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा है। अब रामदेव जी केवल एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि है, और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा है। देखिए रामदेव जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे, इनके जो चमत्कार है ना उनको बोलते हैं परचा, ठीक है। आगे वाली लाइन देखिए, रामदेव जी ने मेघवाल जाति के भक्त रिख्या कहलाते हैं, जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के लोग हैं वो काफ़ी इनको मानते हैं, तो वो भक्त रिख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिख्या, वो रामदेव जी को ही सब कुछ रखते हैं अपना, तो ध्यान रखना रिख्या रखते हैं रिख्या। और ये जो भजन गाते हैं ना उनको ब्यावले कहते हैं। अब भाई देखिए ब्यावले कैसे याद रखोगे, जब इनके मेघवाल जाति के लोगों के ब्याह होता है ना, ब्याह जिसको हम बोलते हैं शादी, तो ये ब्यावले गाते हैं, मतलब रामदेव जी को उसी समय भी याद करते हैं। तो इस छोटी बड़ी ट्रिकों से आप दिमाग में मतलब घुमा फिरा के इसको याद करोगे ना, तो एग्ज़ाम में तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा ब्यावले किससे संबंधित है, तो अपने आप आ जाएगा ये गीत है जो इनके मेघवाल जाति के लोग जो भक्त हैं इनके जिनको रिखिया कहते हैं वो गाते हैं। अब आगे देखिए नेजा, रामदेव जी के जो झंडा होता है ना नेजा उसको बोलते हैं, और उसमें 5 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 5 रंग। इनके घोड़े का नाम है लीला घोड़ा। अब इसको देखिए कैसे याद रखोगे, एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछी जाती है, तो रामदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार थे, और आपने कृष्ण लीला देखी होगी, बहुत सारी लीलाएं करती हैं, तो इससे याद रख सकते हो लीला घोड़ा, ये भी लीला इन्होंने भी की है, भैरव राक्षस को मारा है, बहुत सारे चमत्कार इन्होंने दिखाए हैं, सबसे पहले अपनी माँ को इन्होंने चमत्कार दिखाया था, तो इन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं। आगे देखिए इनके जो जागरण होता है ना रामदेव जी के, उसको बोलते हैं जम्मा। क्या बोलते हैं, जम्मा। और इनके जो पैदल यात्री आते हैं उनको बोलते हैं जात्रु। इनके मेले में काफ़ी लोग आते हैं उनको जात्रु बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, रामदेव जी के मंदिर में पगल्या पूजे जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, एकादशी के दिन रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, और इससे पहले एक दिन पहले इनकी जो बहन थी ना, बहन डालीबाई, उन्होंने समाधि ले ली थी, और इनके एक दिन बाद में रामदेव जी ने एकादशी के दिन समाधि ली। इसलिए जो रुणेचा का मेला है, रामदेव जी का मेला, वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर दशमी तक, एकादशी तक भरता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइनें आ रही हैं, आप देखना, सोने और चांदी के पात्र पर रामदेव जी का चित्र बनवाकर जो गले में पहनते हैं ना उसको क्या कहते हैं, फूल। क्या कहते हैं भाई, फूल, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फूलों को गले में पहनते हैं। आगे देखिए मंदिर कहाँ कहाँ पर है रामदेव जी का, रुणेचा के अंदर, रुणेचा जिसको हम जैसलमेर कहते हैं, और जो यहाँ पर मेला भरता है ना उसको रुणेचा का मेला कहते हैं। क्या कहते हैं, रुणेचा का मेला। छोटा रामदेवरा कहाँ पे है ये आपको पता होगा, भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है।
मसूरिया जोधपुर यहाँ पर भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला बढ़ता है। यहाँ पर जो रामदेव जी इनके गुरु जी थे गुरु बालीनाथ जी। सूरताखेड़ा चित्तौड़ और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कौन सा है? खुंडियास। खुंडियास है वो अजमेर ज़िले के अंदर है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा माना जाता है। आगे देखिए रामदेव जी का पशु मेला है ये कहाँ पे बता है? मानसर नागौर के अंदर ये बढ़ता है। तो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था ना वो सब कुछ हमने ले लिया। एग्ज़ाम में इससे बाहर भाई कुछ भी नहीं जाने वाला। एक बार आप इसको फिर से सुन सकते हो और वीडियो अगर आपको देखने हैं ना तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।